हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम लोग अपना मेंस्ट्रुएशन का अगले सेशन में हम लोग आज कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले सेशंस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे दोस्त, जो हम लोग का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट था। फिर हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम्स को, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्त उसको। आज का जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्त, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो बोलते हैं क्या गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी? तो बोल रहा है कि एक ही गोला है, गोला सेम है, सेम गोला का वर्ग सेंटीमीटर मतलब उसका क्या होगा सरफेस एरिया, और उसका क्या होगा वॉल्यूम यानी कि आयतन, दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब हम आपको अभी यहां पर लिख के दिखाते हैं दोस्त। यहां देखेंगे, जैसे ये गोला है, गोला का सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा 4πr² = 4/3πr³। यही बोलता है ना, गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो बोलता है गोले की त्रिज्या क्या होगी सेंटीमीटर में। तो अब आप यहां देखेंगे क्या इसको आपको संभव होगा, तो ये क्या है मेरा एरिया है और ये क्या है मेरा वॉल्यूम है दोस्त। ये दोनों क्या है बराबर है, गिवन है, ये क्या है मेरा गिवन है, दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग काट पीट शुरू कर दे दोस्त, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया और आर स्क्वायर से क्यू चला गया, तो क्या बचा मेरा, यहां पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 = r/3। तो क्या हो गया दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा r = 3। ये हमारा सेंटीमीटर, ये दिमाग में दिया हो गया दोस्त, क्लियर है। अगला एक प्रॉब्लम है, आप लोग पहले समझेंगे दोस्त, पेन पेपर लेके बैठिए, समझिए, हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद अपने कॉपी पर बनाइएगा। ठीक है, अगला है, एक प्रॉब्लम है, एक बेलन है दोस्त, जिसका भीतरी व्यास बोलता है 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है वाले एक वृत्तीय बेलनाकार डिब्बे का, जिसका जो बेस है अनुप्रस्थ काट में है, में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा पड़ा है। तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखाए हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, उसका पिक्चर ड्रॉ करना चाहिए। अगर पिक्चर ड्रॉन है तो सवाल हम लोग का आधा से अधिक समझिए बन गया। ठीक है, यहां पर कैसे करेंगे, ठीक है, यहां पर बोलते हैं क्या है कि एक बेलन है, एक बेलन है, बेलन है क्या बोलते हैं 20 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, भीतरी व्यास है, सॉरी व्यास दिया हुआ है, व्यास 20 सेंटीमीटर मतलब उसका रेडियस क्या हो गया 10, यहां हो गया रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट है 30 सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है कि 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा पड़ा है, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहां पर है, तो यहां तक क्या है इसमें पानी है, ये जो हाइट दिया हुआ है ये क्या है 5 सेंटीमीटर है दोस्तों। अब क्या बोलना है इसमें कि डिब्बे में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के कितने गोले डाले जाएं कि ये जो डिब्बा है पूरी तरीके से भर जाए, मतलब जो पानी का लेवल है ना ये टिप तक आ जाए, इसको ब्रिम बोलते हैं दोस्त, ब्रिम मतलब एकदम नखे नख, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम टॉप तक भर जाना, मतलब यहां से पानी भरना शुरू हो यहां तक भर जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिम बोलते हैं, मतलब पानी यहां से लेकर यहां तक आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, पानी का लेवल है 5 सेंटीमीटर तक, यानी जब हम इसमें कुछ पत्थर डालेंगे या गोला डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो पानी का लेवल उठेगा, और पानी का लेवल उठे कहां तक आ जाएगा एकदम इसके टॉप तक आ जाएगा। तो यानी कि पानी अभी इतना है, यानी जो पानी इसमें हम कुछ भी डालेंगे उसका वॉल्यूम, ये खाली जो पानी का सरफेस है इसका वॉल्यूम के बराबर होगा, समझ में आ रहा है,
अगर हम कोई चीज इसमें डालेंगे तभी तो पानी का लेवल उठ रहा है। इसका मतलब जितना सामान हम डालेंगे, जितना सामान हम इसमें डालेंगे तो पानी का लेवल उठेगा, तो पानी का लेवल यहां तक आएगा। मतलब उस सामान का या उस गोले का या जो भी चीज इसमें डालेंगे उसका वॉल्यूम, उसका आयतन इस खाली जगह में जो पानी का लेवल उठा उसके आयतन के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग निकालते हैं इस यहां से यहां तक का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि पूरा है 30, ये है 5, तो कितना बचा? 25 बचा ना। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर का वॉल्यूम निकालिए, 25 सेंटीमीटर का वॉल्यूम निकालिए। तो एक बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो हम लोग पाई को अभी रहने देते हैं, क्यों? बाद में काटने काम आएगा, पाई को छोड़ देते हैं दोस्त। तो क्या हो जाएगा? पाई आर कितना हो गया दोस्त? 10 है, तो 10 × 10 और हाइट कितना है? 25 है, 25 है, तो कितना हो गया? 25, तो 2 × 0 पाई सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? खाली स्पेस का जो हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसका वॉल्यूम निकल गया। इसका ये है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकला। और गोले का वॉल्यूम क्या होता है? गोले का क्या दिया हुआ है? ये है आपका गोला, ये क्या है दोस्त? गोला। इसका रेडियस कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4/3 πr² को हम लोग रखे हैं क्योंकि काटना है लास्ट में, इसलिए पाई को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। r, r क्या है? 5 है, तो 5 × 5 × 5। ठीक है, इसको काटेंगे नहीं क्योंकि इसको हम काटना है ऊपर से, अभी कुछ नहीं करना दोस्त, अपने आप सब कट पीट के खत्म हो जाएगा। तो अब बोलता है कि इसमें कितने संख्या में गोले डाले जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? गोलों की संख्या, गोलों की संख्या क्या होगी? गोलों की संख्या इसमें से इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, बेलन में गोले से डिवाइड कीजिए। जैसे लग रहा है दोस्त कि हम लोग तोप गोला चला रहे हैं, है ना? 2500 πr/4/3 π 5 × 5 × 5। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, जितना कट पीट सकता है कट पीट दीजिए, पाए से पाए गया 25 गया, तो यहां पर 100 हो गया, और पंचों के 20 × 20 = 100, तो इसमें चला गया क्या? 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा यहां से, तो 3 × 5 = 15। नंबर क्या बचा? यही मेरा आंसर हो गया, 15। ठीक है दोस्त, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान देते रहना है। अगला जो प्रॉब्लम है, हाँ, एक बोलता है कि 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का बराबर घनों को पूर्ण संख्या वाले घनों में काट दिया जाता है। समझ में आ रहा है? एक घन दिया हुआ है, मतलब घन मतलब एक बॉक्स जैसा होगा। ठीक है, आपको एक छोटा सा फोटो बनाते हैं, इसको भी दिक्कत नहीं है, अब इसको कुछ इरेज करने की जरूरत नहीं है, हम इरेज नहीं कर रहे दोस्त, अब इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग अपना अभी यहाँ पर बनाएंगे क्वेश्चन को, ये दोनों साथ में है दोस्त, देखिए मैं यहाँ एरो लगा दिए, ये दोनों साथ में है। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम साथ में है। ठीक है, अब बोलता है कि एक हमारा घनाभ है दोस्त, फोटो बना बना के बनाएंगे हम लोग को ज्यादा मजा आएगा, प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो जाएगा फंडा। अब इसमें बोलता है घनाभ है इसका 6, 12 और 15 है, ये मान लेते हैं 15 है, ये 6 है, ये मान लेते हैं ये 12 है। ठीक है, अब बोलता है इसको पीस पीस काटना है, याद है कैसे काटते हैं हम लोग इसको? इसको हम लोग आप देखे होंगे, हम लोग जैसे मिठाई बर्फी कटता है या पनीर कटता है तो कैसे पीस पीस में काट के निकालते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर ये ऐसा रहता, हम लोग टॉप व्यू ले रहे हैं दोस्त, टॉप व्यू लेंगे तो ऐसे ऐसे काटते हैं ना दोस्त, इसको ऐसे 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 कर काटते, तो बिल्कुल ऐसे ही काटना है इसको। जैसे मान लेते हैं इसको ऊपर से अगर हम ऐसे देखें,
तो ये कुछ ऐसे कटा हुआ दिखता हम लोग को, है ना। ऐसे ही काटेंगे तो ये कैसे ऊपर थोड़ी रहेगा, तो थोड़ा अंदर तक डीप कटेगा। अब बोलते हैं क्या है कि इस घनाभ को, इस क्यूबॉइड को जो इस मेजरमेंट का है 15, 12 एंड 6 सेंटीमीटर, इफ वी कट इट, अगर हम लोग जो काटते हैं तो घन में काटना है। किसे काटना है? घन में। घन बोले तो क्यूब, जिसका तीनों साइड बराबर होगा, क्योंकि इसका तीनों साइड तो बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग को तीनों साइड बराबर चाहिए। अगर उसमें काटेंगे तो कितना संख्या में क्यूब बनेगा, क्लियर है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमको बराबर चाहिए, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसका HCF निकालेंगे। तो HCF अगर हम निकालते हैं, तो HCF अगर निकालेंगे 15, 12 एंड 6 का, तो आप कैसे HCF निकालते हैं? HCF निकालने आप लोग पता होगा, खैर हम तो प्राइम फैक्टराइजर मेथड से निकालेंगे, तो जल्दी जल्दी मेरा बन जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, समय बचेगा आपका। कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजर मेथड निकालेंगे। 15 का करेंगे तो कितना आएगा, हम अलग अलग जल्दी कर रहे हैं दोस्त। 15 करेंगे तो कितना होगा, 3 × 5, ठीक है। 12 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3। इसमें हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2 × 2, इसको बड़ा बड़ा लिखेंगे दोस्त, आपको साथ नहीं लिखे। 2 × 2 × 3, आप अगर 6 करेंगे तो 2 × 3। कॉमन क्या हो गया, देखिए 3 3 3, तीनों में कॉमन है, यानी HCF कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो क्यूब होगा उसका साइड कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, मोटे तौर पे 3 सेंटीमीटर वाला हमको क्यूब चाहिए, क्लियर है। तो यानी क्यूब का साइड क्या होगा, अब यहां पर हम लोग लिख दें, साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तो दोस्त दोनों का बराबर ही होगा ना, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, अगर वो कहीं पीस में काटेंगे तो दोनों का वॉल्यूम तो हमको बराबर ही मिलेगा, क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से भागा दे दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे देंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्त, ये 15 × 12 × 6, और क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, क्यूब का वॉल्यूम 3 × 3 × 3। क्वेश्चन ये बोला ना, हम लोग का डिमांड क्या है, डिमांड तो यही है कि बिना कोई नुकसान हानि किए घनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, घनों की न्यूनतम संख्या लगभग क्या होगी, तब उसको उसमें से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 × 3, तो क्या होगा, 3 × 6 = 12 और 3 × 5 = 15, 5×20 = 40, 40 40, यानी कि हमारे पास कितने क्यूब बनेंगे, तो 40 संख्या में क्यूब बनेंगे, यदि हम लोग 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले क्यूबॉइड को काटें, 3 3 सेंटीमीटर के 3 3 सेंटीमीटर वाला साइड वाले क्यूब से काट दें, तो 40 संख्या में निकलेंगे, क्लियर है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कितना सवाल था, पहला सवाल हम लोग ये पढ़े, दूसरा सवाल ये था दोस्त, तीसरा सवाल ये था, ठीक है। हम आपको वीडियो में डाल देंगे क्वेश्चंस, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे क्वेश्चंस में हम लगा के आपको देंगे, ठीक है, वहां पर डाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन वहां पर आपको स्क्रीन पे दिखता नजर आएगा। यहां पर आप बना हुआ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है दोस्त। सवाल बहुत टफ नहीं होता, बट प्रॉब्लम इज कि हम लोग उसको कितना जल्दी समझ पाते हैं, जितना जल्दी समझेंगे दोस्त उतना इजी रहेगा हम लोगों को बनाना। मतलब सारा प्रॉब्लम कहां पर है, क्वेश्चन को समझना। हम अपने बच्चे को एक चीज समझाते हैं दोस्त, सारे बच्चों को एक ही चीज बताया जाता है कि क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता, सब क्वेश्चन एक ही जैसा होता है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर
अगर सब क्वेश्चन एक ही जैसा होता है तो हमसे कोई क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। उसका रीजन पता क्या है? उसका सिर्फ एक ही रीजन है बाबू, जो हमको आता है वो हमको आसान लगता है, और जो हमको नहीं आता है ना वो हमको टफ लगता है। आप किसी को भी देखिए, आप देखेंगे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका पकड़ होगा। सिंपल, अगर आपका प्रैक्टिस कमजोर है तो आपके क्वेश्चंस पे पकड़ नहीं होगा बाबू। तो आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन पे पकड़ बनाना है। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक किसी ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगना है। यानी कि बेलन का कुल पृष्ठफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ स्फीयर, गोले के क्षेत्रफल का दुगुना है, उन दोनों की त्रिज्या एक समान हो, यानी दोनों का जो रेडियस है वो बराबर है, यानी सेम रेडियस का बेलन भी है और उसी रेडियस का गोला भी है, तो दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा दोस्त? सिंपल एक फंडा है, पहले हम तो आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग को फोटो बनाना है बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये हमारा बेलन हो गया, इसका जो रेडियस है मान लेते हैं आर है क्योंकि तो सेम ही है, हाइट मान लेते हैं इसका एच है, एक गोला है, हम क्या बोले क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का रेडियस बराबर है, तो इसका रेडियस क्या होगा बाबू, आर है। अब क्या करेंगे, दोनों का टोटल सरफेस एरिया बराबर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बाबू, टीएसए निकालना है, टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, याद है ना, छत और जमीन दोनों को ऐड करते हैं, टॉप और बॉटम दोनों का एरिया को पकड़ लेते हैं तो टीएसए निकल जाता है, इतना बराबर 4 पाई आर स्क्वायर गोले का टीएसए, क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों बराबर है, ठीक है ये दोनों बराबर है, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 पाई आर यहां भी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर निकल जाएगा तो दोस्त यहां पर बचेगा 2 पाई आर ले लीजिए कॉमन, तो एच प्लस आर बचेगा और यहां पर 2 पाई आर, तो क्या बचेगा यहां पर 2 आर बचेगा, है ना, क्लियर है, कितने बचेगा ना, सॉरी दुगना है ना 2, तो यहां पर बचेगा 4 बचेगा, ठीक है 2 पाई आर से 2 पाई आर यहां काट दीजिए तो क्या बचा, h प्लस आर इज इक्वल टू 4 आर, आर को बराबर के उधर लेके चले जाइए तो माइनस हो जाएगा, h इज इक्वल टू व्हाट 4 आर माइनस आर इट बिकम्स 3 आर, तो आपको क्या निकल गया h बराबर 3 आर निकल गया, ठीक है h बराबर 3 आर निकल गया। अब पूछता है क्वेश्चन बोलता है कि दोनों के वॉल्यूम का बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात निकालिए, तो पहले बेलन क्वेश्चन में बोला है, पहले बेलन उसके बाद गोला, तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा ही लीजिएगा, तो आंसर नहीं आएगा उल्टा आएगा आंसर और आपका आंसर गलत हो जाएगा, और मान लीजिए नहीं 3:4 आएगा तो आपका 4:3 आ जाएगा अगर उल्टा ले लीजिएगा, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बेलन और गोला पूछा है तो बेलन अपॉन गोला, यानी कि आपको क्या लेना है, बेलन लेना है बटा गोला लेना है, याद रखिएगा जैसा क्वेश्चन मांगा है बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा, तो बेलन बटा गोला डालना है, तो बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप बोलेंगे कि हम लोग एच का वैल्यू यहां पर निकला है ना दोस्त 3R, तो एच की जगह पे 3R पुट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू 3R और यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब, देखिए पाई से पाई गया आर क्यूब है, देख रहे हैं यहां पर आर स्क्वायर और आर है ये दोनों मिलके कट गया, ठीक है तो क्या बचा, यहां से 3 अब चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा 3 इंटू
थ्री अपॉन फोर, यानी कि तीतिया नौ, नाइन अपॉन फोर, इसको हम लोग नाइन इज टू फोर भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया दोस्त, क्लियर है? इसको आप देखिए। और अगला अगला क्वेश्चन देख लें दोस्त। ये हम लोग कर रहे हैं ना सेंटीमीटर, यस ये हो गया, ये भी हम लोग कर लिए। एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं बाबू। यदि 5 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को रंगने के लिए उपलब्ध रंग का जो मात्रा है वो क्या है, उतना मात्रा उपलब्ध है एक घन को रंगने के लिए, यानी कि घन को जब हम लोग रंगेंगे तो उतना ही पेंट लगेगा जितना कि एक गोले को रंगेंगे। कुछ समझ में आया दोस्त? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब इस दीवार को हम पेंट कर रहे हैं, इस दीवार को हम जितना पेंट करेंगे उतना ही, मान लेते हैं कि सामने वाली दीवार को भी पेंट करेंगे तो उतना ही कलर लगेगा। मतलब ये जो दीवार है और सामने वाला जो दीवार है, दोनों दीवार क्या होगा, बराबर है, तभी ना, जितना पेंट यहां लगेगा उतना ही पेंट वहां भी लगेगा। अगर 1 लीटर यहां भी लगेगा 1 लीटर वहां भी लगेगा, मतलब दोनों दीवार का क्या होगा, एरिया बराबर होगा, क्लियर है? तो उसी तरह से क्वेश्चन बोलता है कि वो गोले का जो गोले को पेंट करने में जितना पेंट लगेगा उतना ही पेंट एक घन को पेंट करने में भी लगेगा। घन को एक वस्तु होगी, उसको पेंट करने में उतना ही पेंट लगने वाला है। तो बोलता है कि क्वेश्चन में कि रंगने का जो कितना मात्रा लगने वाला है, सतही क्षेत्र को रंगने का कितना मतलब मात्रा लग रहा है, तो आपको बताना है कैसे कि निकालना है। इसमें क्या करेंगे, 5 मीटर भीतरी त्रिज्या वाले एक गोले को रंगने के लिए पर्याप्त रंग है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया निकालिए, दोनों का सरफेस एरिया क्या करिए, बराबर कर दीजिए, अपने आप आंसर अपने आप दिखने लगेगा। तो यहां पर इसको बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। अब जो क्वेश्चन है, गोला बना लेते हैं एक, और एक घन है दोस्त, घन है, गोला का 1 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब इसका जो सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² और इसका क्या होता है, 6a² यही होता है ना, इसका होता है 4πr² सरफेस एरिया, इसका मान लेते हैं टीएसए लेके हैं, इसका भी टीएसए लेते हैं, इसका टीएसए सीएसए तो एक ही होता है ना, तो दोनों क्या होता है, दोनों बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, गिवन है, तो दोनों बराबर हो गया। तो कैसे होगा, दोनों को सॉल्व कीजिए, तो ए स्क्वायर इंप्लाई दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4πr² / 6, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, घन की भुजा क्या है, घन की भुजा क्या है, मतलब हमको ए निकालना है, इसका भुजा मतलब साइड निकालने बोल रहा है, साइड निकालेंगे, कटेगा काटिए, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4 और इसका कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, इसका सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको कितना करेंगे, 2π और 5 × 5 / 3, अब तो नहीं कट रहा है, नहीं, 50 π / 3, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर इतना आया, देयरफॉर ए इज इक्वल टू व्हाट, इट बिकम्स √50π / 3 सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर है, ये आपका आंसर आ गया।
क्लियर है। तो आज का सेशन हम लोग ये रोकते हैं दोस्त, हम लोग क्या करेंगे अगले सेशन में फिर कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग फिर आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब तो आप ही का है, और हम क्वेश्चन सामने लगा देंगे स्क्रीन पे, आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। आप क्या करेंगे इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे घर पे, एक दो सेशन और लाएंगे दोस्त, जितना हो सके हम लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और आप लोग भी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, बढ़िया से पढ़िएगा, थैंक यू।